सच साहस सरोकार। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस कर सकता है परमाणु हमला, दुनिया रखे दवा तैयार। पीएम मोदी का जामनगर दौरा, आज WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी का आदेश, प्रदेश में बिना अनुमति ना शोभा यात्रा निकलेगी और ना धार्मिक जुलूस। देश में 90% बढ़े केस, दिल्ली में दूसरे दिन भी 500 से ज्यादा संक्रमित मिले। रोमांचक मैच में कोलकाता की हार, आखिरी ओवर में 2 विकेट झटक जीता राजस्थान। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, जहां छात्रों ने कैंपस में मार्च निकाल RSS और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की, RSS को बैन कराने के भी नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, साथ ही छात्रों ने धार्मिक नारे भी लगाए। साथ ही दिल्ली हिंसा के मामले में कल हुई मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए गए। छात्रों ने कहा कि इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे। सर, किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ छात्रों द्वारा और मेमोरेंडम में दिया गया है, क्या है डिमांड? उसमें लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस किया है, और इसमें इन लड़कों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अभी कुछ दिनों से कई जगहों पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के ख़िलाफ़ है। और प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि किस तरीके के इंसिडेंट आगे ना हो, इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई कानूनी इकदाम हो उसको किए जाए। प्रोटेस्ट हमारा, हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इस मुकद्दस महीने की, जो मुकद्दस हम लोगों के लिए है, हम इसको पवित्र महीनों को खूबसूरती से गुजार लें, लेकिन RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोग हमको ये गुजारने नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारी मस्जिदों पर भगवा फहराएंगे, तुमको अजान नहीं पढ़ने देंगे, लाउड स्पीकर। आज से 74 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर क्या हिंदू नहीं था या उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी? तो क्यों आज क्यों इसकी जरूरत पड़ गई कि हम सबको इस माइक को उतारने के लिए कहा जा रहा है, और मीडिया में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 1.5 मिनट की आवाज जो है ये हिंदुस्तान में पहले नहीं बजती थी या 2 मिनट की होनी चाहिए। मैं उन सब से पूछ रहा हूँ, तुम 74 साल पहले जिंदा थे कि नहीं थे? क्या तुम्हारी उम्र आज 2 ही साल की हुई या 1.5 दिन की हुई है? सबसे पहला। और दूसरा सवाल ये है कि अंसार को क्यों विक्टिम बनाया है, जो वहाँ के लोगों ने बता रहे हैं कि यहाँ पर बंदा गया था कि यहाँ पर जो झगड़े हो रहे थे उसको रोकने के लिए। और इसी तरीके से राजस्थान चले जाइए, इसी तरीके से MP में चले जाइए, हर जगह तुम मुसलमानों को। बरेली में IPL में रोजाना करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जा रहा है, वहीं पुलिस ने ऐसे ही एक बड़े सट्टे की खाई बाड़ी का खुलासा किया है। पुलिस ने सट्टे की खाई बाड़ी में से एक युवक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 28 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं, जबकि उसके 4 आरोपी फरार हो गए हैं। आरोपितों की तलाश में टीम जुट चुकी है। संभल में 18 से 24 अप्रैल के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह का शहर से शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रोडवेज बस अड्डा महजोई यातायात पुलिस बूथ का भी उद्घाटन किया गया, साथ ही लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की अपील भी की गई। 24 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित जन जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उसी के क्रम में आज इसका शुभारंभ किया गया, साथ में ये बहजोई बस स्टैंड के बाहर एक ट्रैफिक बूथ का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर जो ट्रैफिक के कॉन्स्टेबल हैं उनकी लगातार नियुक्ति रहेगी, वो यहाँ पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा जो लोग गड़बड़ी कर खबर सम
संभल से है, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी महोदय मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से परिचय किया। जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश भी दिए। सर्वप्रथम कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि जनपद में 15 थाने, एक महिला थाना और 8 गैंगस्टर नए चयनित किए गए हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने नारकी क्षेत्र में आयोजित डॉक्टर अंबेडकर जयंती में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार एक समुदाय विशेष को निशाना बना रही है और हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि हमें अपने अधिकारों को हासिल करने को सर्वप्रथम शिक्षित होने की बहुत आवश्यकता है। लोगों से उन्होंने कहा कि वो भय नहीं पाले, अपने अधिकारों को लेकर सजग रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी दलित भाई पर अत्याचार और उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लखीमपुर में आबकारी विभाग ने और स्थानीय पुलिस ने अवैध कच्ची शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है, जहां मैलानी पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कच्ची शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक्शन लेते हुए शराब बनाने के उपकरण को भी नष्ट कर दिया गया है। साथ ही 15 लीटर शराब भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई से अवैध कच्ची शराब कारोबारियों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। आज विशेष चेकिंग अभियान के दौरान जुवाबोध कॉलोनी में आबकारी निरीक्षक सीरी मोहम्मदी और गोला तथा पुलिस थाने मैलानी के द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान भारी मात्रा में रहन नष्ट किया गया तथा लगभग 150 लीटर शराब बरामद की गई। खबर देवरिया से है, जहां गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बरारी प्रथम गांव में चीनी मिल के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक के घर से 31 मार्च की रात हुई आभूषण सहित लाखों रुपए से अधिक की चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनके पास से 23 लाख रुपए के आभूषण और असलाह बरामद किया गया है। पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में घटना का पर्दाफाश करते हुए एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने पत्रकारों को बताया कि घटना में शामिल आरोपित को मुठभेड़ के बाद असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है। 31 मार्च की रात में गौरी बाजार थाने के अंदर ग्राम बरारी में एक बड़ी चोरी की घटना अजय कुमार त्रिपाठी जी के घर में हुई थी और इसमें उनके घर का जो भी जेवर था वो इन चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था और यह चोरी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, चूँकि बड़ी चोरी थी। इसमें एसओजी टीम को लगाया गया, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री विनय कुमार यादव के नेतृत्व में पूरी टीम ने रात दिन एक करके तकनीक का सहारा लेते हुए और चोरों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2022 में 18 अप्रैल को एक रोमांचक मैच देखने को मिला। राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रनों से मात दी और आखिरी ओवर में जाकर जीत दर्ज की। आईपीएल में डेब्यू कर रहे ओवेड मैकॉक ने आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाए और अपनी टीम को मैच जिता दिया। राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच में पहले बैटिंग की और जोस बटलर के शतक की मदद से 217 का स्कोर बनाया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 210 रन ही बना पाई। एक वक्त पर लग रहा था कि कोलकाता इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन आखिरी ओवर में सब कुछ बदल गया। श्रावस्ती में एक युवक का शव मिला है। दरअसल युवक
का पैसा बकाया था जिसको मांगने गया था और गांव के बाहर सूरज कुंडा नाले में तीरथ राम का शव मिला। तो वहीं परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई है। तीरथ राम का शव सूरज कुंडा नाले के पास एक खेत में मिला। मृतक के पिता द्वारा बताया गया कि पास के गांव के एक व्यक्ति पर 2800 रुपये बकाया थे, जिन्हें लेने के लिए मृतक कल शाम को गया था। सुबह उनके पोते ने शव देखा। मृतक के पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शव को PM हेतु भेज दिया गया। घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी। अलीगढ़ में लाउड स्पीकर मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला नेता ने कहा है कि हमारे धर्म के मामले में अड़ंगा लगाया तो मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों के सामने बैठकर मुस्लिम महिलाएं कुरान का पाठ करेंगी। समाजवादी पार्टी की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम धर्म को टारगेट कर मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर उतरवाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा किया गया तो सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं मंदिरों पर जुटेंगी और मंदिरों के सामने कुरान का पाठ किया जाएगा। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है। हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे। बदायूं जिला अस्पताल में फायर सर्विस विभाग के अग्नि रोधक प्रचार प्रसार कार्यक्रम के तहत लोगों को आग लगने के कारण और बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया। इस दौरान पेट्रोल घरेलू गैस सिलेंडर से लगने वाली आग पर तुरंत काबू पाने के उपायों की जानकारी भी दी गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।